एक आदमी के गोडे गोडे टोटा चढ़ गया, सरपे इतने बाल नहीं, इतना कर्जा हो गया। सवेरे सुत्या उठा तो बालना का आगे कर्जा मांगने वाले खड़े पावे, सांझ ने सोन का टेम हुआ कुआड़ भेड़न जावे, जब भी कर्जा वाले आगे खड़े पावे। उसने देख लिया इतना तने जीण कौन दे, तेरा कर्जा इतना हो गया तो सारी उम्र भी नहीं पाड़ सकता। क्यों? किसे भी काम का हाथ लावे खर्चा तो हो जाए 2 रुपया का, आमदनी हो चमनी की क्यों कर पूरा पाट है, बातें नहीं बने। आखिरी में विचार बना लिया तो मरना है पड़ेगा भाई, फांसी तक कोनी खाई जाए रेल तले कटूंगा। सुनियो, इब रेल तले कटन खातर चाल पड़िया, अवर रेल आने में लेट होगी बड़ी जी। अरे बाबा तीर्थनाथ का कोई भगत था, उसने देखा अभी तो फलाना आदमी है और पटड़ी पे बैठा केक रही, उसने देखा कि मैं गड़बड़ तो नहीं, उसके पास गए, बोला फलाने अरे पटड़ी पे क्यों बैठा है? न बोला भाई बस मैंने बैठा रहने दे, तू अपना जो काम करने जाओ तू जा, जाया। उन्हें देख लिया इसका तो मूड भी खराब हो रहा है। न बोले बस सही बता क्यों बैठा है? न बोला भाई मन है रेल की बाट देखू, उन बोला रेल की बाट देखो, बोला मरूंगा कटना आया हूं। न बोला रे तना तो जुलम कर दी भाई, ऐड बात क्यों कर गई रे? न बोला बस थोड़ी देर में रेल आ जाएगी मैं मरूंगा। नो बोला भाई यो जीवन हुए नहीं मिलता, बड़ी मुश्किल तो मिला नहीं, कुकर मर जाएगा तेरा मरण कौन देगा? उसकी गफी भर ली उसने। नो बोला छोड़ दे मैंने मरण दे। नो बोला नहीं भाई नहीं कुकर मरण दू भाई, नहीं तू मेरा मित्र नहीं है। आख्या में पानी आ गया, रोन लग गया। नो बोला फलाने मैं इतना दुखी हूँ, इतना दुखी हूँ, धरती पर कोई भी दुखी नहीं होगा, मेरा तो ऐसा काम हो गया, देखे मैं मर जाऊंगा ना, और पच्छद लोग गोडा निवाण आवेंगे, मेरे बालक नक्शा प्यार जोगे भी कोनी, इतने इतने रुपये भी नहीं है मेरे घर, मने बस पंडा छुटाण दे मरण दे। नो बोला भाई बात के बात तो बता, रोवे क्यों है? नो बोला भाई सब टोटा इतना चढ़ गया, मैं जिंदगी तो हार गया और मैं जीना नहीं चाहता, मरूंगा। वो जो भगत था वो न्यू कहने लग गया, तू मेरे कहने दे एक काम कर ले। नो बोला कौन सा? नो बोला एक नल्ला काम है भाई, पावड़ा धरो। नो बोला सह। नो बोला ओडे एक तीर्थनाथ बाबा का डेरा है भाई, और मूर्ति स्थापना हुई मंदिर बन लग रहा, तू मेरे कहने दे बोड़ चाल। नो बोला ओड़े के है? नो बोला ओड़े तेरी समस्या का हल है? नो बोला मेरे यार तू नल ले जाने की बात करे, मेरे धरे 10 रुपये भी कोने गोज में उड़ भाड़ा लगेगा। नो बोला किराया मैं दे दूंगा मेरी केल चाल। कहने का मतलब यू है धक्का करके खुद की गोज में तब भाड़ा लाके धक्का दे उसने बाबा तीर्थनाथ का चरणा में ले आया। नो बोला फलाने मुद्दा पड़ जा चरणा में। नू ना सोची एक सामान्य बाबा है, सच्चे दिल तो मांगेगा ना, गारंटी दे हमें लगा। बाबा के चरणा में लंबा पड़ गया, रोन लग गया। नू बोला बाबा मेरी गेल न्याय कर दे, मैं तेरे से कुछ नहीं मांगता, मने अगर सच्चे दिल से एक दिन भी राम का नाम लिया हो, कदे किसी की भलाई करी हो तो मेरे तेरे सोने कर दे बाबा, और मैं कुछ नहीं मांगता। सजनों का आग्रह कि भक्ति में बड़ी शक्ति होती, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। भाई हम किसी गल जीती को लांदे, मानो तो भाई सच में, ना तो हमने कहे भाई ना मानो। ईब कवे बाबा तीर्थनाथ महाराज ने पुकार सुन ली के बेचारा गरीब है, कोई बात नहीं, सब मेरे दरबार में आते, यू भी आया। कहने का मतलब ये है 3 महीना का भीतर 2 पैसा का जुगाड़ होने लग गया घर में, उस आदमी को हौसला हो गया, बाबा के मंदिर में आना रेगुलर शुरू कर दिया, आए महीना आने लग गया, हौसला बढ़ गया कि मैं भी काम कर, जय बाबा तीर्थनाथ, जय बाबा तीर्थनाथ। न्यू रटे ईब कवे है इसी लगन लगी बाबा की गेलिया 6 महीने में तौआ दा कर्जा पट गया, और घना हौसला हो गया, हो गए तो बाबा बड़ा काम का भाई, दिहाड़ी मजदूरी लग गया कण, और कमाई जो रुक रही थी ना वह कमाई फल लगी, क्यों? धर्म के काम करने लग गया, भगवान के चरणा में लोर लग गई, बुरे कर्मों से अपनी बुद्धि को छुटवा लिया, तो फिर भगवान की कृपा तो होनी थी, 2 पीछे कर्म होने लग गए। कहने का मतलब यू है 1.5 साल के भीतर उस आदमी का सारा कर्जा पाट गया। एक बार जोरदार ताड़ी बजाओ, क्योंकि सिद्ध नित कर्म कर बाबा का नाम लिया गया। और सजनो इसी पाप पकड़ी मेरे बाबा तीर्थनाथ महाराज ने 3 साल के भीतर वो आदमी अपने गांव गवांड का जन्या मान्या अमीर आदमी बन गया, इतना मोटा हो गया, चाल भी नहीं आवे, बड़ी बड़ी गाड़ियां में चले। 3 साल के बाद जब उसने अपना पुराना मित्र फेटिया, उसने देखा कि भाई इतनी महंगी गाड़ी में ये तो उतरिया भाई, लागा तो उस पर का तो निकड़े पर का था, निकड़े में जियो तो उसमें ये तो मोटा घना है भाई, ओ न्यू चल रहा जो सर्कस का भालू चल रहा है, क्यों खा खा गया माल मोटा हो गया, सीट पर बैठना काम की करे ही नहीं।
ईब उसने पहचान लिया, बोले अरे फलाने राम राम भाई, को बोला राम राम, बोला तू तो वो ही नहीं है सारी तल कटन जा था, बोला रे वो ही न्यू कुकर है, दे न्यू कुकर इतनी मोटी होगी, बोले माल खावा, बोले अच्छा कल तो पीपा में दाने को धाई माल खावे, कड़ा पा गया माल भाई, बोले यो सबसे बड़ा सेठ सबसे बड़ा अमीर दुनिया का बैठा है, मैं तो इसका माल खाऊं, बोला समझा नहीं, नाम तो बता, बोला तू भूल गया ही है थोड़ा, बोला याद नहीं आई, याद हुआ किसका माल खाता है, बोला बाप पकड़ ली, बोला किसने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया आसमान की तरफ मुंह कर लिया आंख मीच ली, बोला भाई याद कर वो दिन महाराज भी याद है 3 साल पहले, अगर बाबा तीरथनाथ महाराज नहीं होता तो आज मैं जिंदा नहीं होता, मैं मर जाता, इस बाबा ने बचाया हूँ, 2 पैसे का जुगाड़ कर दिया, आज 4 लोग मैंने नू जाने के फलाना भी बसे है, आंखें में खुशी के आंसू आ गए, बोला हे मेरे बाबा तीर्थनाथ महाराज तेरे दिए दिल है, तेरी ये ओट है, तेरी ये सपोर्ट है, तू ये सब में है, बधाई करता है, धन्यवाद करता है बाबा तीर्थनाथ महाराज को, क्या कहता है, जिस जिसकी पुकार मेरे बाबा ने सुनी है सच्चे दिल से लोगों, जिसकी सुनी है मेरे बाबा ने वह ताड़ी बजाइयो, और जिसकी नहीं सुनी है वही पे ना बजाइयो, अरदास मैं भी ला के जाऊंगा तमे भी लाइयो, बाबा तीर्थनाथ किसे ने खाली नहीं लौटा होगा उसकी भी पुकार जरूर सुनेगा, मेरा आज का बोला याद रख लियो, क्योंकि ये नाथ ऐसा पंथ है जहाँ से आज तक कोई खाली नहीं गया, हम नाथा के खूब प्रोग्राम बजावा, लोगो कृपा की बात है, मन ने देख लियो, खान में डंगर दाने नहीं थे मेरे, 4-5 साल पहले अपनी औकात आदमी ने भूलनी नहीं चाहिए, मैं वही रामधन हूँ जिसका टूटी साइकिल भी नहीं थी, खान में ढंग से रोटी नहीं थी, राजीव बाबा की माया था, इस मैया रानी की कृपा से, माँ सरस्वती की कृपा से, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से, बाणा की कदर की आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से, आज भगवान ने बा पकड़ रखी, इस बाबा के लिए 2 लाइन कहना चाहता हूँ, कि जितना दिया इस बाबा ने मुझे इतनी तो मेरी औकात ना थी, कि जितना दिया इस बाबा ने मुझे इतनी तो मेरी औकात ना थी, ये तो सब कर्म है इन नाथों का, वरना इस रामधन में इसी कोई बात ना थी, ये तो कृपा से, इतना बड़ी स्टेज पे एक लाए छोटा छोरा गण लाग रहा, ये मेरी लिए कृपा, बाबा की कृपा है, बोले एक लन बुलाऊंगा पछली गेड़ टाल करवा दी बाबा ने, बोले ना घराए सोचे बैठे अगली बार आपा दोनों तो मेरा चेला और आपा दोनों गाओगे, कृपा थी एक बार फिर बजाओ ताड़ी, बुला लिया देख ले, ये दाना पानी की बात है, किस तरह से बाबा का गुणगान करता है, बहुत तोड़ का भजन है, 3.5 ताड़ी बजा के गाना बाबा का, क्या कहता है बाबा के चरणों में, तेरे नाम की मन सपोर्ट से, क्योंकि सुख ते कट रहे दिन बाबा सब तेरी ओट से, गणखरे भगतां का ध्यान तो डीजे का नहीं जा रहा है, कोनी मारे आपस में उई या तो है मेरा चांद यार की ना उड़े ध्यान ना रखो भजन में ध्यान रखो, बहुत गजब का तोड़ का भजन है बाबा का, क्या सारे ताड़ी बनाने इब सुख ते कट रे दिन बाबा सब तेरी ओट से, इब सुख ते कट रे दिन बाबा सब तेरी ओट से, के बाबा तेरी ओट से, ओ बाबा तेरी ओट से, सारा मगन रहे जो कुछ घंटे तेरे बदन में कुर्बा सारा मगन रहे, जो कुछ घंटे तेरे बदन में कुर्बा सारा मगन रहे, जो कुछ घंटे तेरे बदन में कुर्बा सारा मगन रहे, सारे तू दिखे जा सब कहला की ऐसी लगन रहे, सारे तू दिखे जा सब कहला की ऐसी लगन रहे, कटी भूल का दुख दर्द की ना लागे चोट से, कटी भूल का दुख दर्द की ना लागे चोट से, बाबा सब तेरी ओट से, इन सुख में कटरे दिन बाबा सब तेरी
तेरी ओट से, ये बाबा तेरी ओट से, ओ बाबा तेरी ओट से। एक बार जितनी मेरी चाची ताई मेरी बहन बैठी है सिर्फ हुए में ताड़ी बजाइयो, आज को नहीं ठुआंदा ज्यादा हो रहा है, कुकड़ में रखो। पर सारी सिर्फ लुगाई लुगाई जितनी मेरी बाण बैठी सिर्फ तवे तवे ताड़ी बजाइयो बेबे, अरे मेरी गेलिया गाइयो सारी बजाओ ताड़ी, ये हानू मेरी गेलिया गाइयो क्या, ए मेरा लाख टके का सूतना, ए मेरा लाख टके का सूतना, आटा भूखा बरता मैं, तेरी दया से मौज हुई यूं खुद भंडारे करता मैं, तेरी दया से मौज हुई यूं खुद भंडारे करता मैं, मिले खाने दा फिरी का तू अखरोट, आज मिले खाने दा फिरी का तू अखरोट, सुख में कटरे दिन बाबा सब तेरी ओट से, इन सुख में कटरे दिन बाबा सब तेरी ओट से, ओ बाबा तेरी ओट से, ओ बाबा तेरी ओट से। के ओम प्रकाश गुरु के चरणा मिल गया सुख संसार मने, कह रामधन कग सरिया ना तै भोगे दुख बेसुमार मने। जितनी गरीबी मने देखी शायद किसी ने देखी होगी, वो इंसान नहीं होता जो अपनी औकात में भूल जाए। सच्चे दरबार में खड़ा हूं मैं, नाथ की चरणों में खड़ा हूं, सच्ची जोत लाकर खड़ा हूं। आदमी वो क्या होता है जो झूठ बोल रहा अपनी औकात में भूल जाए। ऐसा ऐसा टेम काटा रहे मैंने कहूं, आदमी ने वो रात कभी नहीं भूलनी चाहिए जो भूख में काटी हो। मन केवरा कितनी जगह 2 रुपया के भूखड़े खाका पानी पी पी गुजारा कर रखा है, 11 रुपये भी पेमेंट नहीं मिला कर दी, 7 रुपये में टला दिया कर दे, उसे में भाड़ा किराया गया, इनाम भी घोष लिया कर दे। बहुत शोषण सहन कराया, बहुत शोषण सहन कराया, लेकिन भाई नु कहा करे के थोड़ा बड़ा पत्थर बारी हो आ करे, एक आदमी किसी चीज ने पकड़ के बैठा रहे कदन कदे कामयाबी जरूर मिलती है। आज इन बाबिया की माया इसी फिर की न्यारा नाम गुंजा दिया। भाई गायक और भी हैं, लेकिन मैं कोई गायक नहीं, लोग उन्हें गायक को नहीं मानते। इमाम थानी लुगाइया के बीच में सारी राज्य हो रही थी, भाई आ गया, भाई राज्य होकर लोग मुझे अपना छोटा भाई मानते हैं, मेरे लिए गर्व की बात है। एक बार ताड़ी बजाओ, खुशी होती है। कलाकार की दृष्टि से नहीं देखते लोग, अपना भाई बेटे की दृष्टि से देखते हैं। इसलिए लिखी आखिरी में लाइन के ओम प्रकाश गुरु के चरणा मिल गया सुख संसार मने, कह रामधन कग सरिया ना तै भोगे दुख बेसुमार मने। अरे भाई सारी जिंदगी मेरा बाप की गरीबी में कटगी, पर साहब आज के दिन चुगरदे तने नोट बरसा है मेरा क्यों कर, क्या मिटी गरीबी कई साल की इब बरसे नोट से। बदन के अंतिम लाइन है, दोनों हाथ की ताड़ी मिला के सभी बोलना क्या, इब सुख ते कटरे दिन बाबा सब तेरी ओट से, इब सुख ते कटरे दिन बाबा सब तेरी ओट से।